Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you are all fine. We will start to learn chapter 7, the internet blogging. Blogging enables a user to create an online journal called a blog. ठीक है, एक जो ऑनलाइन जर्नल क्रिएट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं. द यूज़र कैन अपडेट एंट्रीज इन द ब्लॉग एंड राइट ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज ट्रैवलिंग, कंप्यूटर्स, कुकिंग, बुक्स एंड सो ऑन. ब्लॉगिंग स्टूडेंट्स होता क्या है, ब्लॉगिंग जो है ना वो एक ऐड होता है. ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर पर दिखाया गया है. ठीक है, ये क्या है, ए ब्लॉग अबाउट क्रिकेट, मतलब एक क्रिकेट के अबाउट क्या है, ये ब्लॉग है. इसका जो फर्स्ट ऐड होगा, जो उसका लोगो पेज होगा, उससे पता चल जाता है हमें कि ये किससे रेलेवेंट जो है टॉपिक है. ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो क्रिकेट का है तो ये लोगो है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये क्रिकेट का लोगो है. ठीक है, तो ब्लॉगिंग का मतलब ये क्या है, जैसे कि अब कुकिंग है, या फिर जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया बुक्स के रेलेवेंट है, तो उससे रेलेवेंट जो है वो उसके ऊपर जो है ना आपको उसका लोगो लगा होगा. बुक्स बनी होंगी अगर बुक का होगा, कुकिंग का होगा तो खाने पीने की अशिया बनी होंगी. इस तरह से करके ना लोगो लगाया जाता है जिसको ब्लॉगिंग कहते हैं. और ये एक जर्नल होता है जिसको तैयार किया जाता है. ठीक है, उसके बाद है मोस्टली ब्लॉग्स आर अपडेटेड एवरी डे, मतलब ज़्यादातर ब्लॉग्स क्या होते हैं, एवरी डे अपडेट होते रहते हैं. आप लोगों ने अपनी अक्सर ऐप्स देखी हैं जो अपडेट मांगती रहती हैं, इसी तरह से वो क्या है, सिस्टम इन्हांस होता है. ठीक है, वो खुद ही अपडेट मांगता है. ठीक है, द राइटिंग ऑन ब्लॉग्स ऑफन रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर. ठीक है, जैसा कि जो राइटिंग ब्लॉग है, ठीक है, वो क्या है, वो ऑथर की पर्सनैलिटी बताता है, मतलब राइटर कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये सारा चीज़. मतलब अगर हमें जो ब्लॉगिंग है, जो लोगो है, अगर हम उसकी इंस्ट्रक्शंस देख लें तो हमें पता चल जाता है कि ये लोगो किससे रेलेवेंट है, किसके अबाउट है. ठीक है, द अदर्स यूजर्स कैन रीड द ब्लॉग्स एंड लीव कमेंट्स फ्रॉम द ब्लॉगर एंड अदर रीडर्स. क्या होता है कि कोई भी जो है वो, जैसा कि ये लोगो है क्रिकेट का, तो वो यहाँ पर क्या है, चैट करता है और ये चैट यहाँ पर छोड़ देता है ब्लॉगर के लिए, मतलब जिसने ये लोगो बनाया है वो भी इसको रीड करेगा और भी यूज़र, जैसा कि अगर मैं हूँ तो मैंने चैट किया, मैंने यहाँ पर चैट कर दिया. ठीक है, वो यहीं पर एग्जिस्ट करेगी. कोई और यूज़र जब आके इसी ब्लॉगर को देखेगा, ब्लॉग को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको भी ये चैट नज़र आएगी, वो भी अपने कमेंट्स यहाँ पर ऐड कर सकता है. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे IM. What is IM? IM stand for instant messaging. ठीक है, enables us to stay in touch with family members, friends and colleagues through the internet. Instant messaging के जरिए क्या होता है कि हम अपने members के साथ, family members के साथ, friends के साथ, ठीक है, क्या है, in touch रहते हैं, मतलब हम chat कर सकते हैं. Window, Leave, Messenger, Google Talk, Skype, IM and Yahoo Messenger are popular IM services. ठीक है, instant messaging की जो सबसे अहम कैटेगरीज़ हैं या उसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं कि विंडो, लाइव मैसेंजर, मतलब जो ऑनलाइन विंडो मैसेंजर होता है ना जिसमें हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, वो गूगल टॉक, स्काइप का आपने सुना होगा, ये भी वीडियो कॉल के लिए यूज़ किया जाता है, याहू मैसेंजर वगैरह, ETC. ठीक है, चैट रूम. उस दिन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जैसा कि हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं तो हम जिस फील्ड में जाके उससे रेलेवेंट जो बात कर रहे हैं वो उसका चैट रूम होगा. जैसे कि अगर आप अपनी मदर की चैट रूम खोल के बैठी हैं तो उधर अपनी मदर के नंबर पे ही जो है वो आंसर कर सकती हैं. अगर आप अपने ब्रदर के करना चाह रही हैं तो ब्रदर के नंबर पे जाके उसके चैट रूम में जाएंगी. तो ये होता है. ठीक है, चैट रूम्स आर वर्चुअल प्लेसेस ऑन द इंटरनेट वेयर पीपल कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस. ठीक है, अब समझ आ गई है. तो ये क्या होती है, वर्चुअल होती है, जिसमें क्या होता है, इंटरनेट के जरिए हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं एंड पिक्चर्स, और हम पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं टू ईच अदर ऑन टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. लेट सपोज हम जो हैं किसी भी सेम टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हैं तो उससे रेलेवेंट हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, इसे कहते हैं चैट रूम. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोशल मीडिया. स्टूडेंट्स उस दिन मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया के बारे में कि फेसबुक, ट्विटर, ETC. ठीक है, सोशल नेटवर्किंग. नेटवर्किंग क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होना सोशल सामाजिक तौर पर. इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. इसमें क्या इंक्लूड होती हैं,
वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो किस पर बेस्ड करी हो, वेब बेस्ड, ठीक है, विच अलाउ, जो अलाउ करती हैं सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन का मतलब है लोगों का आपस में जुड़ना, सामाजिक तौर पर जुड़ना, बिटवीन ऑनलाइन यूज़र, ठीक है, किसी ऑनलाइन यूज़र से. जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या है, जब कोई ऑनलाइन होता है देन आप उसे मैसेज करते हैं, अब ये ऑनलाइन बैठा है मैं मैसेज कर दूँ, तो वो क्या है, एक इंटरेक्शन है ना आपस में, सोशली इंटरेक्शन है दूसरे यूज़र्स की आपस में ऑनलाइन बेस पर, ठीक है. और सोशल नेटवर्क हेल्प अस टू गेट टू नो अवर फ्रेंड बेटर, क्रिएट न्यू कनेक्शन एंड शेयर इंफॉर्मेशन. इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा दोस्त कैसा है, ठीक है, और हम ये इससे न्यू चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है. क्रिएट न्यू कनेक्शन, हम नए सिरे से और भी कनेक्शन कर सकते हैं. यहाँ पर कनेक्शन का मतलब किसी चीज़ का जुड़ना नहीं है, बल्कि क्रिएट अ न्यू कनेक्शन मतलब न्यू जो है ना वो फ्रेंड्स बना सकते हैं. एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स इंक्लूड फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर. मोस्ट कॉमनली जो वेबसाइट्स हैं नेटवर्किंग की वो कौन कौन सी हैं, फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, ठीक है. जैसे कि ये देखें, ये इसका लॉगो है, आगे मैंने ब्लॉगिंग का समझाया था आपको, ये लॉगो है, ठीक है, ब्लॉगिंग से ही लॉगो का वर्ड निकला है. ट्विटर ये चैट का है, ये फेसबुक का है, ये म्यूजिक का है, मैसेज का है, फ़ोन का है, ठीक है. ये सवाल है, इन योर ओपिनियन, अपनी राय बताएं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, क्या नुकसान है ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के क्या नुकसान हैं. क्लासरूम में बेटा मैंने आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा, देर इज़ द चांस ऑफ द डाटा हैकिंग फ्रॉम फेसबुक. फेसबुक पे क्या होता है कि डाटा हैकिंग के, यानी कि डाटा हैकिंग का मतलब होता है डाटा चोरी हो जाना. डाटा चोरी होने के बहुत से चांस होते हैं. पीपल स्पेंड टू मच टाइम, पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है फजूल ज़ाया कर देते हैं ऑन सोशल मीडिया पर. दैट इज़ वाई, इसी वजह से इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम. इसी वजह से ये क्या है, टाइम का वेस्ट होना है, मतलब टाइम यहाँ पर ज़ाया होता है. वी कैन ऑल्सो प्ले गेम्स ऑन इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट हम जो है इंटरनेट पर गेम्स खेल सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन गेमिंग, जो हम क्या है इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ठीक है, वो वी नीड अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन. और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की. देखें, जब आपके इंटरनेट कनेक्शन लो होता है तो आप ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते. ऐसा ही होता है ना, हम कहते हैं सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, हम गेम नहीं खेल सकते, बिकॉज ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए हमें इंटरनेट की जो पावर है वो हाई रिक्वायर्ड होती है, ठीक है. अ साउंड कार्ड, अ ग्राफिक कार्ड, गेमिंग सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद कंट्रोल डिवाइसेज, अ गुड वेब ब्राउज़र, ठीक है. ये सारे क्या है, वेब ब्राउज़र है. ब्राउज़र मैंने आपको बताया था, एक ऐसी ऐप्स होती हैं जहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, डाटा को सर्च करते हैं और अपना डिज़ायर डाटा गेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.